मोदी सरकार के खिलाफ लगातार बगावती तेवर अपनाए चिराग पासवान के एक बयान ने पूरी सियासत को ही बदल कर रख दिया है चिराग पासवान के इस बयान से माना जा रहा है कि अब आगे चिराग पासवान रास्ता अकेला तय करने वाले हैं झारखंड में एनडीए के सीट शेयरिंग पर चिराग पासवान का जो बयान सामने आया उसके बाद ये मारा, माना जा रहा है कि क्या चिराग पासवान सीट शेयरिंग को लेकर खुश नहीं है और एक सीट मिलने पर क्या वाकई चिराग पासवान को यह बताया गया कि उनकी हैसियत एनडीए में क्या है लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि ऐसे में चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने झारखंड चुनाव में एनडीए के बीच सीट शेयरिंग को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा मुझे लगता है कि आखिरी दौर की ये बातचीत हो रही है इसके बाद फिर कोई बातचीत नहीं होगी अपने दर्शकों को बता दें झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के तालमेल को लेकर लगभग सहमति बन गई है इस बीच एल के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है हालांकि बहुत बड़े हद हाँ तक हम मान गए हैं एल के झारखंड प्रभारी और जमुई के सांसद अरुण भारती रांची में ही हैं और असम के सीएम हिमंत हेमंत बिश्व शर्मा भी, भी रांची में थे केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा मुझे लगता है आखिरी दौर की ये बातचीत है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आगे एल कई बड़े फैसले लेने वाली है दरअसल काफ़ी समय पहले से ही इस तरीके के अनुमान लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और एनडीए के बीच सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है उसे देखने के बाद चिराग पासवान और ज़्यादा नाराज़ होते नजर आए बता दें झारखंड में एनडीए के बीच सीट शेयरिंग फार्मूले के मुताबिक बीजेपी अड़सठ पर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन दस पर जेडीयू डी दो और एलजेपी जे एक सीट पर चुनाव लड़ेगी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने शुक्रवार को इस संबंध में जानकारी शेयर की थी हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन के साथ यानी कि विपक्षियों के साथ चिराग हाथ में नजर आएंगे और अगर उन्होंने एन के साथ गठबंधन तोड़ दिया तो इसका भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है यानी कि ये देखा जा रहा है कि जहाँ चिराग पासवान कई मुद्दे पर सरकार को घेर रहे थे और ऐसे में चिराग को भी सरकार ने आईना दिखा दिया